नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान एकेडमी में। अभी मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ वह है मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर और मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, इसकी भर्ती के बारे में। ताज़ा सूत्रों से भी यही पता चल रहा है कि आपके जो मध्य प्रदेश कांस्टेबल की जो वैकेंसी है, जिसका एग्ज़ाम आपके जुलाई मतलब तक होने की उम्मीद है। जुलाई वैसे तो एक्सपेक्टेड कैलेंडर में तो जून है ना, लास्ट जून में, तो इसकी जो वैकेंसी आ रही है वह है लगभग आप समझ लीजिए कि मई लास्ट तक, क्योंकि जैसे इलेक्शन ख़त्म होगा तो उसके बाद अनाउंस कर दी जाएगी और उसके बाद एक महीने के बाद आपका मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की भर्ती अनाउंस की जाएगी। अच्छा, ये है क्या, थोड़ा सा इसका पैटर्न थोड़ा सा समझना है चीज़ों को। सबको पैटर्न पता है लगभग, लेकिन दिक्कत इस चीज़ की है कि आपके पास एक अच्छा सा बेहतरीन मटेरियल कहाँ से उपलब्ध हो। मुझे पता है आप में से ज़्यादातर लोगों के मार्क्स जो है 140 प्लस जाते हैं, मैं सही कह रहा हूँ ना, एसआई के लिए बता रहा हूँ, और कांस्टेबल में 65 प्लस जाते हैं। एमपी पुलिस कांस्टेबल और एमपी पुलिस एसआई, ये सिलेबस ये मैं मान के चलता हूँ वैसे बच्चों का जो थोड़ा सा सीरियस हैं या अपने तैयारी के लिए सजग हैं या चाहते हैं कि उनके कंधे पर वर्दी और स्टार लगे, तो मतलब मैं ये मानता हूँ क्योंकि इतने सालों से पढ़ाते पढ़ाते इतना अनुभव हो चुका होता है। अब दिक्कत है यहाँ पर कि इस पे प्लस 15 और कैसे करें, 15 से 20, और इस पे प्लस 10 से 20 इस पे कैसे करें। वो बस यही है आपका खेल जो है, आपके इन्हीं 15 से 20 नंबर पर है। अगर इस पे 15 हो जाए तो आपके मार्क्स हो जाएंगे सीधे सीधे कितने, 80, और इतना होने पर कोई भी आपको पीछे नहीं कर सकता और ना ही सिलेक्शन लिस्ट से निकाल सकता, चाहे आप जनरल कैटेगरी के हों चाहे आप किसी कैटेगरी के हों। दूसरी चीज़ रही बात जो रिजर्वेशन वाले की बात कह रहा हूँ, तो मैं SC ST या एक्समैन को छोड़ दिया जाए, ST और एक्समैन को, तो बाकी आप आज के समय में SC OBC और जनरल लगभग कट ऑफ सेम जा रही है। कई बार तो ये होता है कि OBC कट ऑफ जो है जनरल से आगे चली जाती है, तो OBC वाले जीतते हो भाई, वो इतना ध्यान रखना अपने आप के, मत सोच लें कि आपको कोई मार्क्स के में चीज़ें मिलने वाली, क्योंकि सरकार की अब नीति ऐसी हो गई है कि आरक्षण सिर्फ नाम का रह गया है, आरक्षण आपको मिलेगा नहीं। क्योंकि अभी आप पिछली लिस्ट उठा के देखिए, मध्य प्रदेश कांस्टेबल, मध्य प्रदेश फॉरेस्ट, मध्य प्रदेश जेल डिपार्टमेंट, मध्य प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट SI, इस पे महिलाओं में एक देखिए आप स्थिति बड़ी ख़राब चीज़ है। और ख़राब क्या कहना, मतलब एक प्रकार से अब इस कंपटीशन के दौर पे मैं आरक्षण का सपोर्ट कैसे करूं कैसे ना करूं, इस पर अपने आप में बड़ी बहस का चर्चा का विषय है, तो ये इसको मैं हटाता हूँ क्योंकि मेरा मुख्य उद्देश्य ही आरक्षण पर चर्चा करना नहीं है बल्कि स्ट्रैटेजी पर है, रणनीति कैसी होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए। मुझे पता है कि 90% लोग दोनों फॉर्म भरेंगे, मध्य प्रदेश SI वाले भी भरेंगे कांस्टेबल का, कांस्टेबल वाले भरेंगे SI का, ये तो त्योर है। और ऑलरेडी जो लोग SI हैं, सॉरी मध्य प्रदेश में कांस्टेबल हैं, वो 100% भरेंगे भाई साहब, वो तो 100%। तो खासकर आप लोगों से मेरा बहुत ज़्यादा अनुरोध है जो मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल हैं, कि आप अपने जीवन के इतने साल अगर आपने मध्य प्रदेश पुलिस में दिए हैं तो अब थोड़ा सा 1-2 महीने अपने लिए दे लीजिए, क्योंकि आपको कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने में 10 से 12 साल लग जाएंगे और SI बनने में लगभग 25 साल लग जाएंगे, और बहुत दिक्कत दुखद घटना है। और अगर अभी आप 1-2 महीने की तैयारी अगर अच्छे से कर लेंगे विधिवत तरीके से, तो स्टार आने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और फिर DSP तक का प्रमोशन आपसे कोई नहीं रोक सकता है। चलिए ये बात रही तो क्लियर। अब तो ये जो चर्चा है कि ये जनरल और OBC, तो लड़कियों की कटाप उठा के देखिएगा आप OBC की, तो लड़कियों की कटाप गई थी 65 या 66 मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में, और जनरल की कटाप गई थी 46, समझ रहे हैं आप। जो जनरल की लड़की थी 46 मार्क्स थे उसका सिलेक्शन हो गया था, और जो लड़की थी 65 मार्क्स थे जिसके OBC में, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, मतलब 66 के ऊपर ही था उसी का सिलेक्शन हुआ था। ये एक प्रकार से एक समझ लें अच्छे से कि क्या है, मतलब आरक्षण के उस पे सहारे पर मत रहें। OBC वालों से मेरा सख्त अनुरोध है, ध्यान रखें इस चीज़ का, ठीक है। जनरल महिलाओं की बात करता हूँ मैं,
तो सभी से अनुरोध है कि आप बहुत अच्छा मेहनत करिए और आपके आगे पीछे कोई कंपटीशन नहीं है। एक तो आपकी 33% जो सीटें आरक्षित है कोई आपसे छीन नहीं सकता, आप बहुत बढ़िया मेहनत करिए, ठीक है। अब आते हैं, हम ओवरऑल डिस्कस करता हूँ मैं, तो 140 प्लस में हमें लगभग आप कहें कि 20 मार्क्स को और कैसे इंक्रीज करें, क्योंकि 140 प्लस 20 में सीधे आपका बन जाएगा 160 और लगभग आप एवरेज 5 नंबर आपके माने जाएंगे किसके, इंटरव्यू के, तो 165 एक ऐसा रेशियो माना जाएगा आपका जहां से आपके फाइनल सिलेक्शन में काफ़ी उम्मीद बढ़ जाती है। और अगर आपने इस पे मेहनत कर ली 5 नंबर और कहीं से 170 का, तब तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। तो टारगेट होना चाहिए हमेशा 170, चाहे जनरल हो चाहे ओबीसी हो। अभी समझाऊंगा कैसे। दूसरा, ये जो कांस्टेबल का बता रहा हूँ, कांस्टेबल में आपको 65 प्लस तो सबके आ ही जाते हैं लगभग। ये जो 15 नंबर का सवाल है कि 15 नंबर कैसे बढ़ाया जाए, इसकी भी स्ट्रेटजी आपको भी डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले अभी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का है तो मैं उसके बारे में डिस्कस कर देता हूँ और उसके बाद मैं एसआई का करता हूँ। इसको बहुत अच्छे से तरीके समझें आप, क्योंकि जो बच्चे अभी 12th पास करके लगे हुए हैं वो कांस्टेबल देंगे। तो एमपी पुलिस कांस्टेबल की बात करता हूँ मैं, हमें आना है कितने, 80। अब 80 के लिए इस पे तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक है आपकी मैथ्स, एक है आपकी रीजनिंग, एक है आपकी जीके या जिसे हम कहते हैं जनरल साइंस भी इसमें आ जाएगी और इंडिया और एमपी का जीके भी इसमें रहेगा। ये तीन ही चीज़ें हैं आपके एग्जाम में, बस एमपी पुलिस कांस्टेबल में तीन चीज़ों में सिलेक्शन है आपका, ना इंग्लिश है ना हिंदी है, कुछ भी नहीं। अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले कि आपको मैथ रीजनिंग में अच्छी पकड़ बनानी है, साइंस के पोर्शन में और जीके के पोर्शन में अगर थोड़ा सा कम भी हो जाए तो कोई दिक्कत है, यहाँ बहुत पकड़ बनानी है। यहाँ पकड़ बनाने के लिए आपको वही चीज़ें पढ़नी है जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, और हमेशा व्यापम का या पीबी का एक बहुत बड़ा रूल रहा है कि वो जब भी कोई एग्ज़ाम लेता है तो उसके आप पुराने प्रश्न पत्र उठा कर देखिए तो उसी से मिलते जुलते क्वेश्चन होते, कोई ज़्यादा फिर बदल बस करके ज़्यादा बदलाव नहीं करता है। तो पहली बात तो ये दिमाग पर रखिए, किस पे लाना संभव है। इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, बड़ी बड़ी महंगी कोचिंग ज्वाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, घर में बैठ करके ऑनलाइन कोचिंग्स कर सकते हैं। और ऑनलाइन कोचिंग के लिए प्रिफर वो करें जिन्होंने खुद सिलेक्शन लिया हो, मतलब मेरे कहने का मतलब अगर आप व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम ऐसे बच्चे लोगों से पढ़ें जो उन्होंने व्यापम का एग्ज़ाम क्लियर कर रखा हो। अब मैं बताता हूँ सेफ चीज़ें जिसको MPSI और MP पुलिस कांस्टेबल किससे हम पढ़ें, एक बहुत बड़ी चर्चा है किससे पढ़ें। देखो कोचिंग वाले जो हैं तो जो आप ऑफलाइन कोचिंग करते हैं तो आपको पता अच्छे से 8-8 10-10 हज़ार आपसे फीस लेंगे और क्या पढ़ाते क्या नहीं पढ़ाते आपको अच्छे से पता है, एंटरटेनमेंट करते हैं आपका पूरा और आपको बहुत मज़ा आता है, क्लासें बढ़िया रस भरी बातें होती हैं तो वाह मज़ा आ जाता है यार, रस भरी बातों से सलेक्शन नहीं होता है, ये कड़वी सच्चाई लेकिन थोड़ा इसको घूट लेकर के पी लेना इस चीज़ को। सलेक्शन लेना है तो मतलब रस भरी बातें नहीं, मतलब रस भरा सिलेबस होना चाहिए और सिलेबस वो होना चाहिए जो आपके एग्जाम में आए, फालतू चीज़ें बिल्कुल नहीं। इसीलिए कहता हूँ ऑनलाइन क्लास का एक बहुत बड़ा फायदा यही होता है कि आप घर बैठे ही बैठे आप तो एक तो 2-3 घंटा जो आने जाने का ख़त्म, साथ ही साथ आपके पास एक जो समस्या होती है क्या कभी गया टीचर का मूड नहीं पढ़ाएगा, लोग आज कुछ और बातें चल रही हैं और हमें बड़ा रस मिल रहा होता है, आनंद आ रहा होता है, मतलब पूरा रसानुभूति हो रही होती है और हम ये नहीं समझ पाते कि हम सिलेक्शन से कितना पीछे जा रहे हैं। तो पहली बात यह है कि MPSI और MP पुलिस कांस्टेबल की तैयारी उस टीचर से अवश्य करें, कम से कम जिसके जिसने एक एग्जाम ऐसा बता रहा हूँ अगर वो व्यक्ति क्वालिफाई कर रखा है तो उससे क्लास लेने में आपको हर्ज नहीं होनी चाहिए। एक एग्जाम है हमारा वो बता सुन लीजिए पहले, आपको पता होगा एमपी में एक एग्जाम होता है जेल डिपार्टमेंट का, जेल पुलिस डिपार्टमेंट का, और एक एग्जाम होता है फॉरेस्ट गार्ड का या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। इस एग्जाम को मैं क्यों कह रहा हूं अच्छे समझे आप बात को, अगर किसी ने जेल डिपार्टमेंट का एग्जाम निकाल रखा है
या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम निकाल रखा है तो वो एमपी कांस्टेबल और एमपी एसआई दोनों की क्लास अच्छे से दे सकता है और वो अच्छे से ईमानदारी से आपको पढ़वा सकता है। पूछे क्यों क्यों? जेल डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका पेपर वाकई में पेपर टफ होता है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का पेपर वाकई में टफ होता है। क्यों? इसमें इंग्लिश भी होती है, इस पे मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, साइंस भी है, जीके भी है, मतलब उसको एसआई लेवल की तैयारी करके ही जानी पड़ती है अगर हिंदी को थोड़ा सा छोड़ दिया जाए तो। बात समझ आई मेरी? कितना महत्वपूर्ण है। अगर इस एग्जाम को क्रैक किया हुआ बंदा है तो वही एसआई और कांस्टेबल को पढ़ा सकता है। यहां तक कि अगर कांस्टेबल कोई क्लियर है एमपी पुलिस का तो उसके पास एक नॉलेज का सीमित स्तर है, उसको सिर्फ मैथ्स रीजनिंग और थोड़ा सा जीके है साइंस वाली पोर्शन, उसको भी मतलब इंग्लिश में प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे 20 नंबर की इंग्लिश आती ही आती है, कंपलसरी है। मैंने पेपर उठा करके देखे, वो पेपर उठा करके देखने के बाद मैंने चीज़ें देखी, एनालाइज किया कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो पेपर होता है और जो जेल डिपार्टमेंट का पेपर होता है वो काफ़ी टफ पेपर आता है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? मतलब कांस्टेबल के अकॉर्डिंग, क्योंकि कांस्टेबल में क्या था, चीज़ें फिक्स हैं, उसमें चीज़ें फिक्स नहीं है, घुमा देता है पूरा। तो अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल भी एसआई और एमपी पुलिस की तैयारी वहाँ से कर सकते हैं ऐसे टीचर्स। मैं आपको ये भरोसा रख करके चौहान सर पर आप लग सकते हैं। ये हुआ हमारा ये चीज़ है कि हम इसको कैसे करें। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग, आप लोग नए हो तो आपको पता नहीं होगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बाकी विधिवत तरीके से आपको एक दूसरी वीडियो जो है राजीव सर लाएंगे आपके लिए, उस पे करेंगे आप। एमपी पुलिस एसआई की बात कर रहा हूं तो एसआई में भी आपको 165 प्लस रखना है, मतलब 170। इसके लिए करना कि आपको हिंदी 70 नंबर, इंग्लिश 30 और बाकी 100 में आपका जाएगा जीके, रीजनिंग, मैथ वगैरह जो भी आपकी इसमें इंक्लूड हो जाएगी। इस 70 में 65 प्लस रखना है और इस 30 में 25 प्लस रखना है, तो टोटल कितना हो गया देख रहे आप, कितना हो गया बताइए? ये हो गया आपका 90। इस 100 में आपको अप्रॉक्स 80 रखना है, मतलब 20 मार्क्स का मैं दे रहा हूँ छूट आपको, आपको बन गए 170। ये 170 टारगेट मिलेगा कैसे? मैं इस वीडियो के लिंक पर कुछ डेमो क्लासेस दूंगा आपको। उस डेमो क्लासेस में उन लोगों की क्लासेस डेमो क्लासेस हैं जो लोग ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, एक एक नहीं दो दो तीन तीन एग्ज़ाम क्वालिफाई, मध्य प्रदेश फॉरेस्ट, मध्य प्रदेश जेल, मध्य प्रदेश एसआई, ये कम से कम इनका तो क्लियर है। तो वो सारी डेमो इस वीडियो के लिंक में होंगी। वो सारी डेमो देखने के बाद अगर आप चाहते हैं कि सर हम ये कहाँ से तैयारी करें, तो या कि हमारे यहाँ ज्वाइन करें या कि कहीं भी करें, मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैं अपनी कोचिंग का ही प्रचार कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। पर एक बात मैंने कहा कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको कुछ करना पड़ेगा। तो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए बस आपको लिखना है एमपी पुलिस कांस्टेबल, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी जो भी फीस होगी जो भी चार्ज होगा आपको बता दिया जाएगा, एक मिनिमम चार्ज, और एमपी एसआई के लिए अलग से। तो एम पी एस आई के लिए अगर आपको प्रिपरेशन करनी ऑनलाइन तो एक नंबर दे रहा हूँ 7827282211, ये नंबर, और एम पी पुलिस कांस्टेबल के लिए 7827282211, ये नंबर। बस करना क्या है, ये दोनों व्हाट्सएप नंबर है, कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप कर देना है। व्हाट्सएप करके सिर्फ इतना पूछ लेना है कि सर मुझे एम पी कांस्टेबल की क्लास ज्वाइन करनी है। ठीक, दूसरा एमपी पुलिस एसआई की क्लास ज्वाइन करनी है, बस इतना कर देना आपको और व्हाट्सअप कर देना है। वहाँ पर से आपको रिवर्ट मिलेगा, जो भी फीस चार्जेज जो भी जैसे आप पे करेंगे उसी के बाद से तुरंत आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज़, हमारे क्लास में आपको टेस्ट सीरीज भी दी जाती है और साथ ही साथ पूरी क्लासेस भी कराई जाती हैं, तो बहुत फ़ायदा है। पीडीएफ भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, करंट अफेयर भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, मतलब कुछ भी नहीं बचता है। और मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मेरा एक ही उद्देश्य है कि मेरी क्लास से कम हर बच्चे का रिटर्न क्वालिफाई होना चाहिए, फिजिकल तो बात बाकी बात है, और उसके लिए हम तैयार हैं। अब ज़रूरत है आपके तैयार होने की, कि आप तैयार हैं कि नहीं। तो
अगर आप तैयार हैं और आपके अंदर जज्बा है कि नहीं मैं कर लूँगा, निकाल लूँगा, हर हाल में कर लूँगा सर, और अपने आप के साथ आप न्याय करने को तैयार हैं, तो हम आपके साथ खड़े हैं, ठीक है। और अच्छे से आप मेहनत करें आप और अपना भविष्य निर्माण करें, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है पूरे भारतवर्ष में सबसे आसान परीक्षा अगर होती है मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की होती है। आप उठा के देख लीजिएगा बाकी चीज़ों को, बस इसमें थोड़ी सी स्ट्रेटजी बनानी है। अगर 2 से 3 महीने की भी स्ट्रेटजी बना लिए तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर देंगे, नहीं बना पाए तो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स रह जाएगा। आप में से हज़ारों लोग होंगे 1 मार्क्स या 2 मार्क्स से जिनका रह जाएगा। अच्छा, जिनको मध्य प्रदेश पुलिस SI और कॉन्स्टेबल निकालना है वो कमेंट पर सीधे यस कर दें, यस सर, हैंड रेज कर दें, यस सर मुझे निकालना है। देखता हूँ कि कितने व्यूज़ के बाद कितने लोगों के अंदर ये जज्बा है कि हैंड रेज करते हैं, हाँ सर हमें निकालना है। एक बार कहो तो सही यार अंदर से कि हाँ मेरे अंदर है पुलिस, मैं निकालूंगा। जब तक उसको बाहर नहीं निकालोगे तो कैसे वो चीज़ बनेगी? आपको पता है कि पूरा का पूरा संसार, पूरा का पूरा वर्ल्ड आपकी सेवा में हाजिर है, लेकिन आपकी सेवा करवाने की तो मतलब वो हो चाहत हो। आप एक बार बोले तो सही कि हाँ मुझे MP पुलिस कांस्टेबल बनना है, MP पुलिस सब इंस्पेक्टर बनना है, तभी तो निकलेगा, नहीं तो एग्ज़ाम नहीं निकल सकता है। पहले उस चीज़ को बाहर लाओ, उस चीज़ को बताओ कि हाँ मुझे ये करना है, आदेश दो इसको, ये धारा, ये आसमान सब आपके गुलाम है, बस आप थोड़ा सा काम करो। किसी ने कहा है, बहुत प्यारा चीज़ बोला है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग हो नहीं सकता, जरा तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? तो आप अपने आप अंदर एक जुनून लाएं कि आपको करना है, और जब वो जुनून आएगा तो आपका एग्ज़ाम जरूर निकलेगा। सिस्टमेटिक सिलेबस और लगातार पढ़ाई। एक और आखिरी संदेश जाते जाते, मैं हमेशा आखिरी में संदेश ले देता हूँ, क्योंकि जो लोग स्टार्टिंग वीडियो अगर देखना छोड़ देते हैं तो बहुत चीज़ें छोड़ देते हैं, और जो लास्ट तक वीडियो देखते हैं उनको आखिरी में कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। देखिए, हमेशा तैयारी करने के लिए आपके पास YouTube बहुत बड़ा माध्यम है। YouTube अपने आप में एक बहुत बड़ा कचड़ा भी है और बहुत बड़ा माध्यम भी है, बहुत बड़ी अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ इसमें डाली हुई हैं। अब ये डिपेंड करता है, हमें हंस बनना है, दूध दूध लेना है, पानी पानी छोड़ना है, मिक्स है तो उस पर लेना है। इसके लिए आप में से अगर थोड़ा भी 1000, 1500, 2000 मतलब इतना खर्च करने की हिम्मत तो सबकी होती है, कोई ज़्यादा बात बड़ी बात नहीं है, तो आप ऑनलाइन क्लास लें, किसी से भी लें, आपको जहाँ रिलायबल लगे किसी से भी लें। उसकी वजह बताता हूँ क्या। तो जब हम फ्री की क्लास देख रहे होते हैं, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, तो जैसे कोई क्लास चल रही तो तुरंत हम नीचे देखते हैं, तो उसी की तरह एक नीचे क्लास और चल रही हो तो तुरंत हम वहाँ कूद जाते हैं, उसको नहीं करते, फिर हमें हमारी जो बारंबारता है ना वो टूट जाती है। लेकिन अगर हम किसी को पे करते हैं तो भले ही उसकी क्वालिटी ज़्यादा ना हो, लेकिन हमें उसमें क्वालिटी दिखने लगती है। इसलिए क्वालिटी दिखने लगती है क्योंकि हमने उसको पे किया है, एक वैल्यू की है। एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, आपके पास मोटरसाइकिल है, एक के पास साइकिल है। अब एक पास साइकिल है जो सस्ती वाली एटलस है, एक के पास है जो है हीरो की है। लेकिन जिसके पास एटलस है 2500 रुपये की, 3000 की छोटी साइकिल है, जिसके पास 10000 की है, तो जिसके पास 1500 की साइकिल भी है ना, टूटी फूटी 500 की भी साइकिल है, उसको बड़ा मिन्नतों से रखता है, वो बड़ा साफ करके रखता है, उसमें अपनापन झलकता है। और जब अपनापन झलकता है तो सफ़र पूरा वही करती है, ना कि आपकी कोई हायबूसा की करने वाली। ऐसे ही किसी के पास छोटी सी कार है, किसी के पास लैम्बोर्गिनी है, तो आप भले ही सपने लैम्बोर्गिनी देखे लेकिन उसको वो अपने पूरा ख्याल रखता है अपनी मारुति का, बहुत प्यार से, क्यों? उसने पे किया है उसको। जरा सोचो, उसको ऐसे कोई दे के चला जाता, उसको वैल्यू नहीं होती उसकी। और यहाँ सीधा का सीधा संबंध वैल्यू का है। और मैं यार इस मामले बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, मैं खुद की वैल्यू बहुत करता हूँ, अपने काम की वैल्यू करता हूँ, और इसलिए आपकी भी वैल्यू करता हूँ, और इसलिए आपकी वैल्यू करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप देश के वो नागरिक हैं जो आने वाले समय में देश का रास्ता बदल देंगे, देश को प्रगति पर ले जाएंगे। लेकिन फ्री फंड में अगर कोशिश करेंगे
तो देश अगर बर्बाद हुआ है तो फ्री फंड में ही बर्बाद हुआ है। एक देश है, अभी मैं किसी नेता का नाम नहीं लूँगा, उसने कहा कि हम लोगों को, किसी ने तो पहले कह दिया था कि लोगों के भैया अकाउंट में 15 लाख रुपये आ जाएंगे, किसी ने दिल्ली में बड़े बड़े वादे कर दिए थे, किसी ने अभी कहा, किसी पार्टी के बंदे ने, कि सबको 72,000-75,000 रुपये दे देंगे, है ना। आपको पता है ये आपके साथ धोखा है, आपके साथ बेईमानी है। देश में अगर मुफ्त में कोई चीज़ दे दी जाना, अपने आप में बेईमानी, उसकी वैल्यू नहीं होगी। अगर आज वैल्यू होती तो इतना प्रदूषण नहीं होता, अगर वैल्यू होती तो हम जो सार्वजनिक चीज़ें मिलती हैं, कोई भी सार्वजनिक शौचालय उठा कर देख रही, इतना गंध क्यों पड़ा रहता है। सुलभ शौचालय में 2 रुपये ही भले क्यों देते हैं, लेकिन वो कितना अच्छे से साफ होता है, उसकी बात वैल्यू के। एक देश है स्विट्जरलैंड, आपको पता उस देश में क्या है? उस देश की सरकार ने कहा कि हम आपको मुफ्त में एक मिनिमम इनकम दे देंगे, आपको फ्री में बिना काम करे आपको हम इतने 1,000 रुपये मिनिमम देंगे सीधे आपके अकाउंट में, बिना काम करे हम देंगे। पूरी की पूरी जनता सड़कों पर आ गई है, बड़ी गलत। देश को बर्बाद मत करो, वहां की जनता ने कहा कि देश को बर्बाद मत करो, और ना ही हमें ऐसे आदि बनाओ कि हम मुफ्त में कोई चीज लेना चाहें, क्योंकि हमें पता है कि मुफ्त में जिस दिन लेना चाहेंगे उस दिन आलस आएगा और उस दिन हम उसकी कदर नहीं करेंगे और हमारा देश गर्त में चला जाएगा और सरकार को वो प्रस्ताव वापस लेना पड़े जनता के दबाव कारण। तो जैसी जनता वैसा राजा होता है, समझ रहे हैं आप? जैसा राजा वैसी प्रजा नहीं होती है, और जिस देश में जैसी राजा वैसी प्रजा होगी तो उसका तो समझ लीजिए घंटाधार हो गया। आप बहुत अच्छे लोग, आप रामकृष्ण की भूमि पर जन्मे, आपके अंदर बहुत स्टेमिना है, कुछ भी कर सकते हैं आप। पैसे का कभी मत सोचिए कि मेरे पास ये पैसे नहीं, कि पैसा है। जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा उसको कभी पैसे कम नहीं हो सकती है। आप गांव में हैं, गांव स्तर पर 10 बच्चों को जोड़ो, 100-100 रुपये में पढ़ाओ, 50 बच्चे अगर हो गए तो 5,000 रुपये आपका हो रहा है। आप मेहनत करो, देखिए क्यों नहीं आएगा। पढ़ाओ पढ़ो पढ़ाओ आगे बढ़ो, पर मेहनत से आगे बढ़ना मेरे दोस्त, कमा करके मेहनत से आगे बढ़ना, मुफ्त में लेने की कोशिश मत करना। बुरी लगे तो अच्छी बात है, सही लगे तो अच्छी बात है, पर यहाँ लगनी चाहिए, ठीक है। चलो अपना ध्यान रखो और इस दोस्त को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात करूँगा मैं किसी और चीज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।